अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। माँ छोड़िए माँ, इस वक्त पापा जी की जान बचाना ज्यादा जरूरी है। वैसे काफी समझदार बहू है आप, वेरी इंटेलिजेंट मिसेस परम सुंदरी पराठे वाली। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट शुरू करते, टाइम इज मनी। मैं पराठे बनाती हूँ माँ। गाड़ी की डिक्की में टेबल और चेयर पड़ी है, उस पे से धूल झाड़ के अच्छे से गीले कपड़े से साफ करके उसे यहां बीच में लगा। बाय द वे, आप लोगों का पहला कस्टमर मैं हूं, सो दिखाइए अपनी खातिरदारी। जितना काम बोला उतना करो। मिसेस परम सुंदरी जी उर्फ पराठे वाली, जाइए अपना काम कीजिए। पराठे का ठेला खुला है। अच्छा यार, मैंने नाश्ता भी नहीं किया। ओ पराठे वाली, जल्दी से दो गरम गरम पराठे लगा एक्स्ट्रा चटनी के साथ। जी अभी देती हूँ। वेटर, अरे सीनियर वेटर, क्या कस्टमर सर्विस है? कस्टमर आके बैठा कोई पानी वानी भी नहीं पूछ रहा। क्या कर रही हो ये? ठीक से काम नहीं आता, ठेला खोल के बैठ गई है। मेरी शक्ल क्या देख रही है? ये टेबल साफ करो, जाके नया पानी का ग्लास लेके आओ मेरे लिए। काम करना आता नहीं? आपका कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है करण जी? हर इंसान की भी बर्दाश्त की एक हद होती है। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, अगर ऑपरेशन रुकवा दिया तो वो बेचारा बुरा शरीर कितना संभालेगा, कितना बर्दाश्त कर पाएगा वो? तो बोल रहा हूं मैं, बर्दाश्त की हद होती है। चलो
पानी पिलाओ। मम्मी जी की बेइज्जती करके बहुत खुश हो रहा है ना, अब इस पराठे का स्वाद कभी भूल नहीं पाएगा। गुलाब का चमेली का मत समझना, कस्टमर मैं बहुत होशियार हूं। बेवकूफ मत समझना, देख लिया था मैंने तुम्हें ये मिर्च इस परांठे में डालते हुए। वैसे क्या है ना कि जब चीजें थोड़ी ज्यादा तीखी होती है ना तो उसका मजा ही अलग है। अच्छा, कैसी तबीयत है मेरे परम की? देखिए, ऑपरेशन तो ठीक से हो गया है लेकिन इनकी हालत अभी भी नाजुक है। अगले 24 घंटे तक कुछ नहीं कहा जा सकता। ए रब्बा, किसकी नजर लग चुकी है मेरे परिवार को? कब खत्म होगी ये परेशानी है? इस परीक्षा को खत्म होना ही होगा दारजी। मेरे इतने सालों की भक्ति के बदले माता रानी भी प्रार्थना का ये जवाब नहीं दे सकती। और आज मुझे ये प्रार्थना के जवाब में मुझे आपका ये रौद्र रूप चाहिए। जिस तरीके से आपने असुर का विनाश करने के लिए शस्त्र उठाए थे ना, आज मुझे भी इंसाफ खुद ही करना होगा। उस शैतान को मारने के लिए मुझे भी ये रूप धारण करना होगा। उस इंसान ने मेरे परिवार की नींव पर वार किया है, उसके छल का जवाब देने के लिए मुझे भी छल का रास्ता अपनाना होगा। करना माता रानी, ये मेरा तरीका नहीं है, पर जब बात मेरे परिवार पर आती है ना माँ, तो मैं अपना तरीका बदलने के लिए तैयार हूँ। मुझे बस उसकी कमजोरी ढूंढनी होगी। मैडम जी, आज तक आपने मेरी इतनी बार मदद की है तो अब मेरी बारी है। ये लीजिए, ये वही सामान है जो आपने मुझसे मंगवाया था। ये नीली कब भाई? मैंने तो देखा नहीं से आ जाते हुए। है जब भी आई हो काम चोर है, आज काम कर तो रही है आके। हाँ चलते हैं। सारा सामान उठाकर बाहर फेंक दिया इस करंजी ने।
मतलब हमारा कमरा हथिया लिया इसने, छोड़ूंगी नहीं मैं इसे। खुलने की कोशिश की, अब देखिए दालचीनी दंगल प्ले पर टीवी से पहले।